हाय दोस्तों, तो आज हम लोग जिस मिनी सीरीज की बात करेंगे, मिनी सीरीज को देख के रोंगटे भी खड़े होते हैं, प्लस इमोशनल भी फील कर रहा हूं मैं। ये सीरीज को डायरेक्ट किया कबीर खान ने और इसमें आपको शाहरुख खान का वॉइस ओवर भी सुनने को मिल जाता है। ओवरऑल लेंथ की बात करो तो 3 घंटे 10 मिनट की है। और ये सीरीज की कहानी की बात करो तो कहानी बताने से पहले मैं आपको इतना बताऊंगा कि जो हमारे जो वीर शहीद थे, जो उस टाइम पे आजादी के लिए शहीद हुए थे, वो लोग आज जब हमारे इंडिया की सिचुएशन देखते होंगे तो बहुत ही अफसोस करते होंगे, सोचते होंगे कि भाई आज भाई और भाई का नहीं, पहले तो हम लोग अंग्रेजों से लड़ते थे हमारे हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए, लेकिन आज ऐसा होगा कि जब भाई और भाई एक दूसरे से लड़ रहे, सिर्फ वो कुछ चूतिए नेताओं के होते जो कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करे जिससे इंसान इंसान का दुश्मन हो चुका है और प्रोटेस्ट में इतने लोग मर रहे लेकिन कोई देख रहा नहीं। खैर, इस सीरीज की बात करता हूं तो इस सीरीज में हमें आजादी से पहले का पता है, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तब अंग्रेजों की हुकूमत में हमारे जो इंडियन आर्मी के लोग थे उनके अंडर काम करते थे। लेकिन कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जब जापान सिंगापुर पे कब्जा करने जाता था और ये ब्रिटिश राज नहीं चाहता था, तो ब्रिटिश राज ने क्या किया था, इंडिया के 60 जवान और ऑस्ट्रेलिया के 30 जवान को भेजा था सिंगापुर जापानीज से लड़ने के लिए। और उस टाइम पे जापानीज ने सिर्फ 30,000 जवान भेजा था और ये बैटल ऑफ सिंगापुर तकरीबन 7 से 8 दिन चला था। लेकिन ब्रिटिश राज यानी कि जो इंडियन आर्मी के लोग और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के लोग बस जीतने ही वाले थे, तभी ब्रिटिश राज ने जापानीज से समझौता कर लिया। समझौता कुछ इस तरीके से था कि उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और उसके बाद किस तरीके से जो हमारे इंडियन आर्मी के लोग द नेशनल इंडियन आर्मी बनाते हैं और आजादी के हक के लिए लड़ाई करते हैं और किस तरह से करते हैं, और उनके लीडर उस टाइम पे होते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा या चलो दिल्ली, ये सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे थे जो कि काफी पॉपुलर थे। तो इस सीरीज में आपको यही बताया कि कैसा हिंदुस्तान की जब पहली इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी और किस तरीके से वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े थे। और उसके अलावा इसमें यह भी बताया कि द फर्स्ट वुमेन आर्मी जो कि पूरे वर्ल्ड में पहली जो इस मूवमेंट में बनी थी, उस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, जो जो सिचुएशन थी आजादी के लिए और वो लोग किस तरह से डट के लड़े, ये सब कुछ आपको इस सीरीज में जानने को मिलेगी। खैर, इस सीरीज के डायरेक्शन की बात करूं तो मैंने कबीर खान से एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि इस तरह से बेहतरीन डायरेक्शन देखने को मिलेगा। हर एक बैटल सीन देख के रोंगटे खड़े होते हैं और स्टार्ट से लेकर एंड तक आप कहीं बोर होते नहीं हो। ये सीरीज पास्ट और प्रेजेंट में चलती है और इस सीरीज में अगर परफॉर्मेंस की बात करो तो मुझे पर्सनली सभी के रोल्स अच्छे लगे, क्योंकि यहाँ पर सभी को आप मेन कैरेक्टर बोलोगे, लेकिन पर्सनली अगर चेहरे के एक्सप्रेशन या डायलॉग डिलीवरी करने का स्टाइल बोलूंगा तो सनी कौशल का रोल बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा कहानी बताने का जो तरीका था वो तरीका भी बहुत अच्छा लगा। बेमतलब की सिचुएशन नहीं बताई गई, ना बेमतलब की इसको ड्रैग करते हुए नजर आता है। ये सीरीज काफी बोलते हैं देशभक्ति से भरा हुआ है और फील भी होता है, और आपको उन लोगों की जो आजादी के लिए जिस तरह से वो लोग लड़े ना, वो उनकी जो दर्द है वो दर्द को भी फील कर सकते हैं। और अब मैं बता दूं कि इसमें द फॉरगॉटन आर्मी इसे क्यों कहा जाता है। देखिए, जब ये लोग हमारे हिंदुस्तान के आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे तब कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से जो हमारे जो इंडियन आर्मी के ही लोग थे वो लोगों ने इनको एक्सेप्ट भी नहीं किया, और ऐसे में क्या हो गया कि इन लोगों को जेल में डाल दिया गया, जितने भी बचे हुए थे बेचारे। तो बचने के बाद जब लोग जेल से बाहर निकले तब इंडिया आजाद हो चुका था। अब इंडिया आजाद होने के बाद प्रॉब्लम यह होगी कि काफी लोगों के घर पाकिस्तान में थे, तो इस वजह से ये अपनी कंट्री के होने के बावजूद ये रेफ्यूजी के नाम से जाने लगे। अब इसके बाद से ना हमारी इंडियन आर्मी इन लोगों को अपने अंडर काम में ली, ना ही इनको पेंशन दिए, जिस तरह से ट्रीट होना चाहिए उस तरह से ट्रीट भी नहीं किया गया, इसलिए ये जानी जाती थी द फॉरगॉटन आर्मी के नाम से। हमारे और अरहान एंटरटेनमेंट की तरफ से इनको सैल्यूट है, और इस तरीके के वीर शहीद जिन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई की और इस तरह से किए, इतना सेक्रीफाइस किया, इतना दर्द, और इसी सिचुएशन में जो अंडर थे वो, यार मैं तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं। तो बस मैं इतना बोलूंगा कि ये सीरीज को आप लोग जरूर देखो, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। मैं हूँ राशि, दुआ में याद रखना। बाय।